दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सारा इंडिया की जो भी लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं वो विश्वसनीय वेबसाइटों से लेकर आते हैं। आज जो बड़ी अपडेट लेकर आए दोस्तों, बड़ास मीडिया से है। बड़ास मीडिया ने सारा रिफंड पर एक बड़ी यहाँ पर न्यूज़ दी है, जो सियासत नाम से ये न्यूज़ है। इस रफ्तार से तो सारा निवेशकों की रकम वापसी 30 से लेकर 40 साल लग जाएंगे। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट अपने आप में बहुत ही कुछ कहती है। वो क्या कहती है हम आपको बता दें। जैसे कि आप जानते हैं कि सेवी विभाग हो या कोई सा भी रिफंड पोर्टल हो, उस पर निवेशकों का निवारण सही प्रकार से नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो काम 2 या 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए था, आज 10 से लेकर 12 साल हो गए, लेकिन निवेशकों का पैसा निरंतर सहारा की हर एक इकाइयों में डूबा पड़ा है। सहारा इंडिया द्वारा मिला दर्द निवेशकों के जीवन को समाप्त होने के नाम ही नहीं ले रहा। जी दोस्तों, यहाँ पर जो निवेशकों का पैसा नहीं मिल रहा, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। गृह मंत्री की पहल के बाद भी अभी करोड़ों निवेशकों में से महज 4 लाख लोगों को ही जमा पूंजी वापस मिल सकी है। यहाँ दोस्तों, 11 करोड़ लोगों में से अभी केवल 4 लाख निवेशकों को पूंजी मिली है। गौरतलब है कि सहारा के 4 सोसाइटियों के निवेशकों की जमा पूंजी दिलाने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज R.S. रेड्डी को एक एकियम कुकी के रूप में अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारिता मंत्री विभाग के संयुक्त निगरानी में पिछले वर्ष 18 जुलाई 2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें अभी तक पूरे देश भर के 1,24,00,000 निवेशकों के माध्यम से 85,000 करोड़ मूल रकम की क्लेम की गई है। यानी कि यहाँ पर जो है निवेशकों की 84,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इसमें से अभी तक मात्र 365 करोड़ रुपया ही 4,20,717 लोगों को 16 जुलाई 2024 तक वितरित हो सकी है, जिसकी जानकारी माननीय मंत्री जी ने राज्यसभा में 24 जुलाई 2024 को दी है। जानकारी के अनुसार इस रफ्तार से राशि प्रक्रिया से ऐसा लगता है कि सभी निवेशकों का उनका मूल राशि प्राप्त करने में लगभग 30 से 40 वर्ष लग जाएंगे। जबकि सुब्रत राय ने हमेशा अपने बयान और अखबारों के माध्यम से बताया है कि उनके पास कुल देनदारी की 3 गुना ज़्यादा संपत्ति है। यह सवाल यही है कि देनदारी से 3 गुना रकम है तो निवेशकों को ब्याज सहित देने में कितने वर्ष लगेंगे। या दोस्तों, चाहे यहाँ पर कितने भी निवेशकों का करोड़ों रुपया जमा हुआ है, किसी के 1,00,000, किसी के 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 30,00,000 ऐसे जमा है, तो उन निवेशकों को 40 साल या 50 साल लग जाएंगे, और जिन निवेशकों की उम्र 50 या 60 साल है, वो तो अपने पैसे लिए ही शौक सिधार जाएंगे। बात दोस्तों सेवी की अगर करें तो दोस्तों, सेवी विभाग ने अदर पिछले जो इनकी रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड जो कंपनियां थी, उनका भी पेमेंट नहीं किया। 24,000 करोड़ में से मात्र 133 करोड़ रुपया निवेशकों को देकर 22,500 करोड़ रुपया संचय खजाने में जमा कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि निवेशकों का ये पैसा सरकारी प्रक्रियाओं में उलझ कर सरकार अपने ही खजाने में जमा कर लेती है, और इनकी सियासत इतनी गहरी है, इससे पता चलता है कि निवेशकों को केवल हीला हवाली दिया जा रहा है। प्रोसीजर का कोई हिसाब सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा, ना निवेशकों को मूलधन बताया जा रहा है, ना निवेशकों का जो है ब्याज दिया जा रहा है, ना निवेशकों को कोई अवधि दी जा रही है कि आपका अगर 50,000 या 100,000 जितना भी आपका है वो इतने टाइम में आपको एक मुफ्त मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर किस्तें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल खैरात में 10,000 रुपया किसी को दे दिया, करोड़ों का यहाँ पर अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी सहारा से जुड़ी एक ऐसी अपडेट जो बताती है कि हमारी सरकार की सियासत बहुत रफ्तार पकड़े हुए है। रफ्तार क्या पकड़े हुए है? चिटफंड कंपनी और सोसाइटियों को यहाँ पर धराशायी किया जा रहा है, अरबों खरबों रुपया लपेटा जा रहा है। तो दोस्तों, बड़ास मीडिया के द्वारा जो भी हमारे पास ये ऐसी अपडेट आती है, वो अपडेट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो दोस्तों, ये अपडेट अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।